नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आज है मई सीरीज की मंथली एक्सपायरी, तो उस पर तो रहेगी बाजार की नजर। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स लगातार 4-5 दिनों से थोड़ी कमजोरी, थोड़ी सुस्ती के आसार दिखा रहे हैं। कल हमारे बाजारों में भी एक ठीक ठाक करेक्शन आपने देखा, हल्की फुल्की गिरावट निफ्टी पर रही, पर बैंक निफ्टी ज्यादा फिसला। तो आज एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा हमारे बाजारों पर एक्शन, कैसे समझना है आगे की रणनीति को, कौन से स्टॉक्स पर रहेगा फोकस, इतने नतीजे आए हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा, एंड ऑफकोर्स ये जो ग्लोबल सुस्ती है क्या ये आज फिर से मूड बिगाड़ सकती है, इन सब चीजों पर करेंगे बातचीत। स्वागत है आपका, नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन इस समय अगर आप ग्लोबल मार्केट्स का ले लें तो थोड़ी सुस्ती आपको दिख रही है। एसजेएक्स निफ्टी करीब 40 अंक नीचे दिख रहा है, 18,250 के नीचे फिसलते हुए इस समय। इसके साथ ही नजर रखिए, जहां तक अमेरिकी फ्यूचर्स का सवाल है, डाउ फ्यूचर्स आपको एक बार फिर से कमजोरी दिखा रहे हैं। 100-125 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करते हुए दिखेंगे, बट उसके सामने नैस्डैक फ्यूचर्स पर आपको एक बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। 125 अंकों का बड़ा उछाल नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय दिखा रहे हैं, तो थोड़ी विपरीत चाल डाउ और नैस्डैक की इस समय फ्यूचर्स में आती हुई चल रही है। इसके अलावा नजर रखिए बाकी ग्लोबल बाजारों में भी। जापान के बाजार कल 0.5% गिरने के बाद आज थोड़ा रिबाउंड करते हुए दिख रहे हैं, हल्की फुल्की खरीदारी वहां पर आ रही है। चीन और हांगकांग के बाजार खुलने के लिए तैयार है, बट बाकी के एशिया के बाजारों में आपको इस समय कमजोरी आते हुए दिखेगी। डॉलर इंडेक्स ये थोड़ा मजबूत हुआ है ओवरनाइट, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में आपने हल्की बढ़त आती हुई देखी है, और कच्चे तेल पर भी रखिए नजर, $78 के ऊपर आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। तो आइए समझते हैं कैसे समझना है इन सारे ग्लोबल संकेतों को, क्या कुछ हुआ कल शाम अमेरिकी बाजारों में, क्यों 4 दिनों से डाउ पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है, और आज के लिए क्या कुछ रहेगा अहम। नुपुर है हमारे साथ तैयार ये सब बताने के लिए। नुपुर, गुड मॉर्निंग। अमेरिका तो रिकवर करने के मूड में दिख ही नहीं रहा है, वापस वही कर्ज पर कर सीलिंग की परेशानी चल रही है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, वही बात चल रही है, और साथ ही साथ फेड की भी जो मिनट्स है वो भी, उससे भी एक अनसर्टेनिटी सामने आ गई। तो दोनों ही चीजें थी, डेट सीलिंग की भी बातचीत थी और जो फेड की मिनट्स आए वो भी एक अनसर्टेनिटी की तरफ लेके चले गए, जिसके चलते हमने कमजोरी देखी कल के अमेरिकी बाजार में। 4 दिन की लंबी गिरावट, 4 दिन से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं डाउ में। कल भी अगर हम देखें तो 250 पॉइंट की गिरावट आपको नजर आएगी, S&P भी 30 पॉइंट नीचे था, और नैसडेक में भी इनफैक्ट 80 पॉइंट की गिरावट कल के दिन नजर आई थी। इनफैक्ट अगर आप S&P का विक्स भी देखें, वॉलीटिलिटी इंडेक्स भी देखें, तो वो भी कल 8 से 10% ऊपर था, तो वॉलीटिलिटी फिलहाल वहां पर तो बनी हुई है। हाउस स्पीकर और जो बाइडेन साहब की मीटिंग हुई थी उसके बाद एक कंक्लूजन सामने नहीं आया था, हालांकि दोनों ही एक डील को लेकर काफी दूर है, एक टेबल पर नहीं आ पा रहे दोनों के ऑफर्स, तो यहाँ पे कंसर्न बना हुआ है मार्केट, जिसकी वजह से चिंता फिलहाल बनी हुई। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो हाउस स्पीकर उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें आशा है कि हम डील तक पहुंच जाएंगे, एक टेबल पे आ जाएगी डील, इसको लेकर भी वो पॉजिटिव है। तो दोनों ही अभी फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है कि कहां तक बातचीत पहुंची है, लेकिन उन्होंने आशा दिखाई है, आशा जताई है कि एक डील सामने आती हुई नजर आएगी। इसी चिंता के चलते हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट में कमजोरी बनी हुई। अब फिर जो रेटिंग है उनकी तरफ से भी एक अपडेट आते दिखाए, डेट सीलिंग की जो चिंता बढ़ी है उसके चलते उन्होंने अमेरिका की AAA रेटिंग को रेटिंग वॉच नेगेटिव में डाल दिया है, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ सामने आई थी। साथ ही साथ JP Morgan भी अगर देखे तो उन्हें लगता है कि 25% चांसेस है कि US जो 1 तारीख की डेडलाइन है डेट सीलिंग की, उसे भी हिट करता हुआ दिखेगा। समय कम है, 1 तारीख नज़दीक आने वाली है, जिसके चलते कंसर्न्स और चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक फिलहाल कोई डील सामने नहीं है। हालांकि हाउस स्पीकर साहब इसके अलावा दूसरी तरफ फेड की पॉलिसी भी ड्यू है जून में, और जो पिछली पॉलिसी के मिनट सामने आए थे जहां से और अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिखी। एक तरफ उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो तो कंट्रोल में आते हुए नज़र आ रहा है फिलहाल, लेकिन वो अभी भी 2% के टारगेट के ऊपर है, लेकिन उनको जो बढ़ते हुए कर्ज की भी चिंता सता रही है, तो जिसके चलते कुछ मेम्बर्स का मानना था कि पॉज आ सकता है, कुछ का मानना था कि पॉज नहीं लेना चाहिए जून जो आएगी उसमें। हालांकि जो फेड के गवर्नर है उन्होंने रेट हाइक को सपोर्ट किया है, वो पॉज के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते हुए दिखे थे, तो यहाँ से भी क्लियर संकेत नहीं मिले कि जून की पॉलिसी में क्या आएगा, एक अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई यहाँ से भी नजर आई थी। इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कल के ट्रेडिंग सेशन में दबाव दिखा था। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन
पोस्ट मार्केट काफी कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि एनवीडिया के नतीजे देखेंगे तो वो काफी अच्छा आया और पोस्ट मार्केट 25% ये स्टॉक ऊपर है। इनफैक्ट जो गाइडेंस दिया है कंपनी ने वो भी मजबूत दिया है। स्नोफ्लैक्स के भी नतीजे अगर देखें तो वो कमजोर थे और गाइडेंस भी कमजोर है, जिसके चलते स्टॉक अभी पोस्ट मार्केट में आपको 12% की कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वार्टर वन का जीडीपी का डेटा यूएसए के आने वाला है, तो उस पर नजर रहने वाली है। साथ ही साथ सिर्फ यूएस में नहीं, कल हमने यूरोप के बाजार में भी कमजोरी देखी थी, 1.5 से 2% की कमजोरी आपको यूरोप के बाजार में भी कल के दिन नजर आई थी। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2.5 महीने के ऊपरी स्तर पर आप पहुंच गए। 10 साल की यील्ड में भी जो डेट सीलिंग के कंसर्न चल रहे हैं उसके चलते 4.5 बेसिस पॉइंट का उछाल यहाँ पर भी नजर आए, 3.7% के आसपास आपको दिखेगा। इसके अलावा कमोडिटीज़ में अगर आप देखें तो ऑयल 78 के पार जाता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। सोना चांदी दोनों में ही कल के दिन गिरावट नज़र आई थी, कमजोरी यहाँ पर बनी हुई है, ये भी दोनों स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स में तो लगातार कमजोरी है, चौतरफा कमजोरी आपको दिखेगी। कॉपर 8,000 टन के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है, 7 महीने के निचले स्तर पे भी आपको दिखेगा। निकल और जिंक की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट ही दिख रही है। तो डेट सीलिंग की चिंता फिलहाल बनी हुई है, लेकिन हाउस स्पीकर साहब का कहना है कि होपफुल है कुछ ना कुछ डील सामने आ ही जाएगी। दूसरी तरफ फेड की मिनट से भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी सामने आई है और फिच ने इनकी रेटिंग वॉच पर भी डाल दिया है, तो ये भी एक विषय है। हालांकि फिच का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डील हो जाएगी, बट रेटिंग वॉच पर रखती है। ट्रिपल ए रेटिंग है अमेरिका की, जो खतरे में आ सकती है अगर ये डील पर आपको सौदा नहीं आते दिखे। डाउ फ्यूचर्स एक बार फिर से आपको कमजोरी दिखा रहे हैं। आइए एक बार शुक्रिया अनुपर ये सारे अपडेट्स हमें देखने के लिए। एक बार देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों का एक्शन कैसा रहा। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी चल रहा हो, हमारे बाजारों में FIIs की खरीदारी बरकरार है। कल फिर से बढ़िया आंकड़ा कैश में आते हुए दिखा है, 1200 करोड़ की खरीदारी कल कैश में FIIs ने करी है। DIIs की तरफ से भी 300 करोड़ का योगदान रहा। थोड़ा फ्यूचर्स में बिकवाली करी, इंडेक्स फ्यूचर्स में 450 करोड़ की बिकवाली रही, वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 200 करोड़ की बिकवाली रही, बट दमदार आंकड़ा कैश में FIIs की तरफ से आते हुए दिखा है। समझते इन सारे संकेतों को और आज एक्सपायरी के लिए आपको कैसे करनी है तैयारी, जानते हैं आज की स्ट्रेटजी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह वी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, एक्सपायरी का दिन आ चुका है, आपकी स्ट्रेटजी लेनी है। कल थोड़ा डिप हमारे बाजारों में दिखा था, ग्लोबल मार्केट थोड़े कमजोर हैं और फिच ने तो वार्निंग दे दी अमेरिका की रेटिंग्स पर। हालांकि वो कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, बट अगर डील नहीं होती है तो रेटिंग वॉच पर ऑलरेडी वार्निंग भी आ चुकी है एक एजेंसी से। कैसे समझना है ये सारे ग्लोबल संकेतों को और आज हमारे एक्सपायरी के लिए कैसे करनी है तैयारी सर? गुड मॉर्निंग जी, देखिए संकेत तो ग्लोबल मार्केट से दी गई है और यही वजह कि हमारे बाजार बढ़ नहीं पा रहे हैं और हर रोज मजबूती दिखाते हैं और ऊपर के लेवल पर आकर प्रॉफिट बुकिंग इन्हीं के चक्कर में आ रही है। कल भी आप देखिए अच्छा सेशन था, फर्स्ट क्लास चल रहा था, सब कुछ ठीक था, आखिरी 1.5 घंटे में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग इसी वजह से आई है और आज भी कोई खास स्थिति अलग नहीं है। हमारे अपने फैक्टर चाहे तकनीकी तौर पर बाजारों को देखें मजबूत है। FIIs की कल के सेशन में भी आप देखिए अच्छी खरीदारी के आंकड़े हैं, ऐसा नहीं कि खराब है, लोकल फंड खरीद रहे हैं तो फ्लो स्ट्रांग है और सीधी सी बात यह है कि बड़े इन्वेस्टर्स मौका देख रहे हैं कमजोरी में खरीदारी करने का, तो अभी तक तो ट्रेंड इंटैक्ट है। अब इस तरह के संकेत जब आपको लोकल मजबूती दिखे या ग्लोबल कमजोरी दिखे तो आप करेंगे भी क्या? फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई ठीक है जो भी ट्रेंड है उसके हिसाब उसके साथ चलिए। और इस मामले में क्लियर कट बात यह है कि ट्रेंड भारतीय बाजारों में मजबूती का है, ग्लोबल कमजोरी की वजह से आपको सावधानी से कर चलना है। अब आज मंथली एक्सपायरी भी है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी उस वजह से बढ़नी चाहिए। अब सिंपल सी चीज ये है कि हल्की कमजोरी के साथ खुलने के संकेत आ रहे हैं, ज्यादा कमजोर खुले तो और बढ़िया, आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आते ही खरीदारी के मौके बन जाएंगे और वो लेवल है 18,175 से 18,215। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी शुरुआत कर देनी है। ऊपरी स्तरों पर 18,340 18,390 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी कल कमजोरी के साथ बंद जरूर हुआ लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्लोजिंग लेवल है 43,650-45 लगभग वहीं जाकर बंद हुआ, तो अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे कल बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं है। तो आई थिंक आज जो बढ़िया एक लेवल बैंक निफ्टी में बनता है 43,375-43,525 ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छे मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। इसके ठीक ऊपर की तरफ जैसे 44,000 के आसपास आप पहुंचते हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होती, तो मेरे ख्याल से 43,900-44,000
ये वो लेवल है जहाँ पर आने पर आपको थोड़ी बहुत तेजी की पोजिशन कम करनी चाहिए। तो इस रेंज को ट्रेड करिए, तो क्योंकि शुरुआत आपको संकेतों के साथ लेनी है, आने दीजिए सपोर्ट जोन में, भले वो आपको शुरुआती कारोबार में मिल जाए या दिन के दौरान मिले वहाँ खरीदना है। और कम गैप से खुले या फिर मजबूत खुल जाए तो पहले ऊपर जाने का इंतजार करें और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें। तो बेसिकली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना ठीक रहेगा और शायद दोनों तरफ के मौके आज आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल, एक्सपायरी का दिन है, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, थोड़ा रेंज में ट्रेड करें। कल भी हमने देखा था सुस्त शुरुआत के बाद निचले स्तरों से सपोर्ट आया, फिर ऊपर मुनाफा वसूली भी दिखी। आज भी अनिल जी कह रहे हैं कि अगर नीचे आपको बाजार मिले सपोर्ट के आसपास खरीदिए और ऊपर की रेंज में बेचिए। 18175-215 ये आपके लिए निफ्टी का सपोर्ट रेंज आती हुई दिखेगी, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 18350-18400 के आसपास आपको ऊपर की रेंज दिख रही है बाजार में। बैंक निफ्टी 43375-43525 एक सपोर्ट अच्छा बन सकता है, और ऊपर की तरफ की अगर आप बात करें तो 43900-44000 थोड़ी ऊपर की रेंज, हल्की सी नीचे आ गई है, पर 44000 के आसपास आपको बिकवाली भी करनी चाहिए। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पर भी। कुछ नतीजे आए हैं, वायदा कारोबार के तो एक ही नतीजे थे, बट कैश मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं, साथ ही आज की कुछ खबरें भी हैं, दोनों के बारे में जानते हैं अरमान के साथ। मॉर्निंग अरमान, पहले तो नतीजों से करते हैं शुरुआत, कैसे रहे कल शाम के नतीजे? जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले नतीजों में जैसा कि आपने कहा वायदा कारोबार में तो नेल्को के नतीजे थे, उसमें अगर आप देखें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय में आपको लगभग अगर आप देखें 16% की गिरावट है, पर अगर हमारा अनुमान था हमारे अनुमान से बेहतर आई है आय भी। मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स 37.4% से गिरकर 20.8% पर आई है, अनुमान जो था वो गिरने का ही था, अनुमान जो था वो 15.5% का था, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 20.8% के आसपास आते हुए दिखें, तो उस हिसाब से अगर आप देखें जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। कैश में LIC के नतीजे सबसे पहले अगर आप बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं आपको। नेट प्रीमियम इनकम में आपको थोड़ी गिरावट दिख रही है लगभग 8% के आसपास की, पर अगर आप इंडियन एम्बेडेड वैल्यू की बात करें तो वहां पर आपको लगभग 7.5% की बढ़ोतरी दिख रही है। और मुनाफा तो देखें, मुनाफा लगभग 2370 करोड़ से बढ़कर 13430 करोड़ के आसपास जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स की बात करें तो नाइका जैसे 33% के आसपास, मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट है 3.9% से बढ़कर 5.4% के आसपास है। और अगर आप मुनाफा देखें, हालांकि मुनाफा जो है वहां पे 70% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि जो एसोसिएट्स का लॉस है वहां पर भी इस क्वार्टर में हिट आया है। ऑयल इंडिया नतीजे मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं, आय लगभग फ्लैट के आसपास रही है, 0.4% बढ़ी है, मार्जिन्स में वहां पर कटौती है 53.1% से अगर गिरकर वो लगभग 43.5% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा अगर आप देखें तो मुनाफा भी लगभग 2% के आसपास उछल कर आता हुआ दिखा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स यहाँ पर आय लगभग 11% के आसपास बढ़ी है, मार्जिन्स गिरकर आए हैं 6% से गिरकर 3.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे भी देखें तो उन्होंने लगभग 250 करोड़ के आसपास के हथियार आपूर्ति के लिए जो है करार किया है। सदन पेट्रो यहां पर नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं, आय में अच्छा खासा उछाल है लगभग 150% का उछाल है, और कामकाजी जो घाटा था लगभग 5.5 करोड़ का वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है 51 करोड़ का। और मुनाफे में अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पर भी आपको बढ़िया उछाल दिख रहा है। ट्राइडेंट यहाँ पर अगर आप बात करें, टोटल अगर बात करें, आय में लगभग आपको गिरावट है लगभग 6% के आसपास की, मार्जिन्स ओवरऑल गिर गए हैं 18.1% से गिरकर 17% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको गिरावट दिख रही है लगभग 28% के आसपास की। टिटागर वैगन्स यहाँ पर कंपनी जो है घाटे से अगर आप बात करें तो मुनाफे में आती हुई दिखी है, जो कंपनी को पहले घाटा था 25 करोड़ का वो अभी कंपनी को मुनाफा आता हुआ दिखा है 48 करोड़ का, और आय में भी लगभग आपको 130% के आसपास का उछाल दिख रहा है। और अंत में पिरामल फार्मा, यहाँ पर ओवरऑल सेट ऑफ नतीजे आपको दिख रहे हैं तो थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, आय लगभग 1.5% गिरकर आई है, मार्जिन्स में भी आपको गिरावट है 18.7% से गिरकर लगभग 16.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में 75% के आसपास की आपको गिरावट दिख रही है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। LIC ऑफ कोर्स इसके नतीजे आए हैं और इस पर भी बाजार का रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही बाकी इंश्योरेंस कंपनीज का। आज के लिए कौन से नतीजे आने वाले अरमान, और कौन से ट्रिगर्स एंड ऑफ कोर्स खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट है आज के लिए? जी आज भी FNO में कई सारे नतीजे हैं, जिसमें आप पेज इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें, वोडाफोन आइडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। वर्लपूल ऑफ इंडिया वहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि आज FNO का उसका जो है आखिरी दिन होता हुआ दिखेगा। बालमेर लोरी यहां पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस इश्यू और शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। स्पाइसजेट इंसॉल्वेंसी मामले पर NCLT में सुनवाई होगी।
और टीमलेस सर्विसेज जहां पे अगर बायबैक जो इनका है वो बंद होता हुआ दिखेगा। खबरों में गुजरात गैस, यहां पर ध्यान रखें क्योंकि रिपोर्ट्स है कि कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस के दाम जो है घटाकर 38.43 SCM जो है वो 1 जून से कर दिए हैं, जो कि अगर आप मौजूदा अगर भाव देखेंगे तो 40.62 है। KRBL, LT फूड्स, चमनलाल सेठिया, सारे जो भी आप राइस स्टॉक्स है वहां पर आपको फोकस रखना है क्योंकि सरकार ने ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट पर जो पॉलिसी में संशोधन किया है, संशोधन क्या किया है कि ये अब देशों में उनके जो खाद्य सुरक्षा के लिए आग्रह पर एक्सपोर्ट जो है वो अलाउ कर दिया है। हालांकि इसके लिए उन्हें भारत सरकार से मंजूरी आवश्यक लेनी होगी। नारायण हृदयालय की बात करें तो यहां पर कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री होती हुई दिखी है। नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जो है इन्होंने होली ओन सब्सिडरी का गठन करते हुए दिखे हैं। IRDAI से इनको जो है सब्सिडरी के गठन के लिए NOC मिला है। विप्रो, यहां पर स्पार्टन रडार के साथ ऑटोमेटेड ड्राइविंग सोल्यूशन के लिए इन्होंने करार किया है। इन्फोसिस, डिजिटल वर्कफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने एडॉप के साथ करार किया है। GSL लिमिटेड, एक्सचेंजेस से GSL टेक्सटाइल के शेयर लिस्ट करने के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी इनको मिलती हुई दिखी है। BL कश्यप एंड सन्स, यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से इनको लगभग 132 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि इनको 14 महीनों के अगर आप देखें तो उस ऑर्डर को पूरा करना है। श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, यहाँ पर डीलिस्टिंग प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 292 प्रति शेयर का है, जो कि अगर आप देखें मौजूदा भाव से लगभग 14% के आसपास डिस्काउंट पर है। और अंत में कोफोर्ज, जहाँ पर UTI म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.012% हिस्सेदारी घटाई है और सेकेंडरी मार्केट के जरिए लगभग 23 मई को जो है हिस्सेदारी घटाते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें भी आज के लिए जहां पर एक्शन देखिएगा। शुक्रिया अरमान, ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर हमें करना है फोकस, तो आइए स्टॉक्स की बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। कई सारे स्टॉक्स पर आपसे करनी है चर्चा, पहले तो आपके जो आज के ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो हमें बताएं। शिवांगी, क्या आप सुन पा रही है मुझे? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो आज के ट्रेडिंग आइडियाज के लिए मैंने पहले चुना है इंडियन होटल। ये जो पूरा सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेजर ट्रेंड जो है स्टॉक का काफी इंटैक्ट भी है, कुछ दिनों के कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहे हैं स्टॉक में और ये एक फ्रेश लेग ऑफ रैली स्टार्ट होने चाहिए स्टॉक में। तो यहाँ पे 390 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें 367 के एक स्टॉप लॉस के साथ। मेरा दूसरा पिक रहेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर जो है ITC। ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ पे है और लॉन्ग जो है काफी इंटैक्ट है इस महीने में भी, और क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है तो आज शॉर्ट के ट्रिगर होने का संभावना है, जो एक अच्छा यू नो मूव दे पाएगा स्टॉक में। तो यहाँ पे खरीदारी करें 450 के लक्ष्य के लिए 426 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। बिल्कुल, आई लेटर के दोनों काउंटर्स, और कल तो जबरदस्त सपोर्ट भी बाजार को ITC ने दिया था, आज भी आपको मोमेंटम में दिख सकता है। सन फार्मा, शिवांगी जरा एक बार इसकी चार्ट देख लें, कल टॉप गेनर भी था और टारो के नंबर्स के बाद अच्छी मूव इसमें आई थी, आज कुछ फॉलो ऑन एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी, सन फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था, जरूर एक अपूर्व देखने को मिला था कल के सत्र में, और एक 930 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, वो ध्यान रखते हुए एक हम यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि फार्मा है तो हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाते हुए रखें क्योंकि स्विंग एक्सपेक्टेड है। टाटा मोटर्स पर भी अपनी एक बार राय दे दें, वैसे तो स्टॉक अच्छे मोमेंटम में रहा है, कल 1.5% गिरा, आज UBS की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने 450 का टारगेट दिया है, चार्ट्स पर टाटा मोटर्स कैसे दिखता है? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स जो है ऑटो सेक्टर में काफी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला था, काफी मोमेंटम था, पर क्योंकि स्टॉक अभी काफी एक हाई पे पहुंच चुका है तो इसको 500 के आसपास की खरीदारी करें तो थोड़े डिप्स में क्या है रिस्क रिवॉर्ड बेटर फेस रहेगा। की भी बात करते हैं शिवांगी, क्योंकि कल हमने देखा था टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड बैंक्स में थोड़ा प्रेशर आया था, ICICI बैंक यहां पर क्या राय बननी चाहिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा कमजोर हमें बनते हुए दिखा था क्लोजिंग की तरफ, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे ICICI बैंक के लिए? जी बिल्कुल, पूरे बैंकिंग स्पेस में हमने काफी एक कंसोलिडेशन देखा है और जिस तरह से यहाँ पे थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ICICI बैंक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन अगर मिले तो 920 के आसपास हम उसको खरीदारी करें और ऊपर में 950 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे, बट डिप्स में ले तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर प्लेस है। चलिए, तो खरीदारी की राय है पर डिप्स में रहिए, 920 के 930 के आसपास अगर आए तो वहां पर मौका बनेगा, देखते हैं आज बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, एक्सपायरी का भी दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। कोई सुधार नहीं आ रहा है इस समय ग्लोबल संकेतों में, 30-40 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिख रहा है, 100 पॉइंट की गिरावट डाउ फ्यूचर्स पर है। नासडैक फ्यूचर्स हालांकि आज बहुत ही बढ़िया तेजी में है, 125 अंकों का उछाल है क्योंकि एक स्टॉक है US में NVIDIA
जिसके नंबर्स दमदार आए थे और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 25% की रैली उस स्टॉक में आई थी, जिसकी वजह से आज आप नैसडैक फ्यूचर्स में बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। आइए बात करते हैं कमोडिटी बाजार की और आज किस तरह से आपको बनानी है रणनीति। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब हमारे साथ हैं तैयार। अनुज गुड मॉर्निंग। लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कच्चे तेल में बढ़िया एक्शन बना हुआ है, 78 के ऊपर ब्रेंट कल शाम गया है ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे बाजारों में भी तेजी है। आज के लिए क्रूड पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दीपांशु जी गुड मॉर्निंग। देखिए क्रूड अगर देखें तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हायर लेवल्स पे आया है, मगर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है करीबन 6,300 के आसपास में। हमें लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने अक्रॉस द कमोडिटी एक सेल ऑफ आते हुए देखा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी आपको बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 6,200 में बिकवाली करें, 6,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 5,900 तक देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर, क्योंकि सप्लाईज यहाँ पे काफी बड़ी है, इन्वेंट्री बढ़कर आई है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। गोल्ड और सिल्वर में भी दबाव देखा है, कल 60,000 के नीचे गोल्ड बंद होते हुए दिखा, सिल्वर 1.5% फिसला है, आज के लिए भी दबाव देख रहे हैं, यहाँ पर रीबाउंड आ सकता है? देखिए बिल्कुल, आज के लिए भी हमें लगता है कि थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स करीबन 104 के आसपास आ गया है। तो गोल्ड सिल्वर में आज हमारी बिकवाली की सलाह रहेगी, गोल्ड में करीबन 60,000 के आसपास बिकवाली करें, 60,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 59,500 तक, और सिल्वर में करीबन 71,500 के आसपास बिकवाली करें, 72,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 70,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लग रहा है कि $1,950 तक के लेवल गोल्ड में और करीबन $22.5 तक सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर, आज फिर से प्रेशर बनेगा। कॉपर में क्या करना है? मल्टी मंथ लोस पर सारे बेस मेटल्स हैं, कॉपर में लगातार भारी बिकवाली भी हो रही है। देखिए कॉपर में भी ये हमने डाउन ट्रेंड आते हुए देखा है, कॉपर और जिंक दोनों में ही हमने गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि कॉपर में करीबन 702 के आसपास बिकवाली करें, 707 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 694 तक आ सकता है। हमें लगता है कि कॉपर में एक ब्रेकडाउन हुआ है और अभी प्राइस थोड़े से और नेगेटिव रह सकते हैं। ओके, तो नेगेटिव व्यू ही बन रहा है गोल्ड सिल्वर और कॉपर पर, बट और साथ ही कच्चे तेल जहां पर तेजी है, आज ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ सकती है, वहां से भी गिरावट एक्सपेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। फोकस करते हैं अब आज की कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी FIR में। बताया अरमान, आज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी है? जी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो CLSA के हिंडाल्को पर जो रिपोर्ट है, बाय जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 550 से घटाकर जो अगर आप देखें 530 का टारगेट कर रहे हैं। नोमुरा की क्यूमिंस पर रिपोर्ट है, जो पे रेड्यूस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 1145 का। सिटी की नाइका पर रिपोर्ट है, जो वहां पर भी वो बाय तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो अच्छा खासा घटा रहे हैं, 200 से घटाकर 160 का जो है वो टारगेट कर रहे हैं गोल्डमन सैक्स की, उनकी नाइका पर है। वहां पर वो न्यूट्रल स्टैंड वो तो मेंटेन है, पर टारगेट वो भी घटा रहे हैं, ये भी घटाकर 200 से घटाकर 175 का कर रहे हैं। नोमुरा की सेम नाइका पर है, वो जो मेंटेन कर रहे हैं बाय को तो, पर टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं, 214 से अगर आप देखें घटाकर वो 183 कर रहे हैं। और अंत में UBS की टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट है, सेल जो है वो तो रीइंस्टेट कर रहे हैं, पर टारगेट वो यहां पर बढ़ा रहे हैं, 320 से बढ़ाकर अगर आप देखें तो 450 का टारगेट कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, 450 का टारगेट बढ़कर तो आया, बट करंट लेवल से काफी नीचे का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ये सारी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही, बट